Good evening students, welcome to Shoaib Masood Tutorials, Aligarh's number one commerce channel and you're watching English Grammar Series. So far in this series, we have covered Noun, Pronoun, Determiners and Adjectives. And today for our fifth lecture, we're going to cover Adverbs. So let's start with our lecture for today and before starting it, I would like to say दट प्लीज़ डू लिसन टू दिस लेक्चर वेरी केयरफुली एंड अटेंटिवली एंड वट एवर आई एम टीचिंग हियर प्लीज़ ट्राई टू प्रैक्टिस इट डेली अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने आपसे इसको बहुत ध्यान से सुनने के लिए कहा है बहुत गौर से सुनने के लिए कहा है तो उसके लिए मैंने कौन से यहाँ वर्ड्स यूज़ किए हैं केयरफुली और अटेंटिवली यानी आपको आज का लेक्चर किस तरह सुनना है ध्यान से सुनना है गौर करके सुनना है तो आपने इस बात पे ध्यान दिया कि जो सुनना है या लिसन करना है वो एक्शंस हैं यानी आपको ये सुनने का एक्शन परफॉर्म करना है और जब मैंने आपको बोला कि आपको ये किस तरह करना है अटेंटिवली और केयरफुली और प्रैक्टिस किस तरह करनी है डेली तो यहाँ पे आपका जो एक्शन है लिसन करने का उसको परफॉर्म करने का यहाँ तरीका बताया जा रहा है तो ऐसे ही कुछ बताते हैं एडवर्ब्स। एडवर्ब adverb, वो वर्ड्स हैं जो हमें बताते हैं कि एक्शन किस तरह हो रहा है या एक्शन किस टाइम पे हो रहा है, या कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ हो रहा है तो आइए और जानते हैं एडवर्ब के बारे में एंड लेट्स स्टार्ट विद इट्स डेफिनेशन फर्स्ट तो क्या होती है एडवर्ब की डेफिनेशन दर्ड एड्स टू द मीनिंग ऑफ वर्ब एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब इज़ कॉल्ड एन एडवर्ब तो एडवर्ब ऐसे वर्ड होते हैं जो वर्ब या एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब के मीनंग को मॉडिफाई करते हैं मॉडिफाई करते हैं मतलब वो उसके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देते हैं यानी कि हमारा एक्शन वर्ड जो कि है वर्ब वो किस तरह से हो रहा है या किस टाइम पे हो रहा है या कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ हो रहा है ये बताते हैं एडवर्ब और वो एडजेक्टिव और बाकी के एडवर्ब के बारे में भी फर्दर इंफॉर्मेशन देते हैं तो आइए इनको थोड़ा एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है सना सैंग ब्यूटिफुली इसका मतलब है सना ने गाना गाया बहुत खूबसूरती के साथ तो यहाँ पे गाना गाना यानी कि सेंग एक एक्शन वर्ड है हमें एक्शन का पता चल रहा है यहाँ पे कि गाना गाया गया लेकिन जो वर्ड हमें ये बता रहा है कि गाना किस तरह गाया गया वो है ब्यूटिफुली यानी गाना खूबसूरती के साथ गाया गया तो इस वर्ब को मॉडिफाई किया या डिफाइन किया किस वर्ड ने ब्यूटिफुली ने यानी गाना गाने का एक्शन किस तरह से परफॉर्म हो रहा है खूबसूरती के साथ परफॉर्म हो रहा है एक्शन का जो तरीका है वो कैसा है ब्यूटिफुली यानी खूबसूरती के साथ अगर आप गौर करें तो ये जो सेंटेंस है सना sang ब्यूटिफुली अगर ये सिर्फ इतना होता सना सेंग देन ऑल्सो इट वुड अ कम्प्लीट सेंटेंस इसकी अपने आप में कंप्लीट सेंस होती है, अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस होता इससे हमें पता लगता है कि सना ने गाना गाया जो कि ग्रामेटिकली भी करेक्ट होता क्योंकि इससे हमें पता चल रहा है कि सना ने गाना गाया पूरी सेंस आ रही है लेकिन जब यहाँ पे ये वर्ड ऐड होता है ब्यूटिफुली तो उससे हमें पता लगता है कि गाना खूबसूरती के साथ गाया गया तो यहाँ पे जो वर्ड है ब्यूटिफुली वो एक एडवर्ब है ये हमें बता रहा है कि एक्शन किस तरह से हो रहा है एक्शन होने का तरीका क्या है तो यहाँ पे ये वर्ड ब्यूटिफुली हमें हमारे वर्ब के बारे में और इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसके मीनिंग को मॉडिफाई कर रहा है तो ये तो हो गया एडवर्ब का एक यूज यानी कि वर्ब में थोड़ा मॉडिफिकेशन करना वर्ब के मीनिंग को और डिफाइन करना अब इसके और क्या क्या यूजेस हो सकते हैं या ये और कौन से वर्ड्स के साथ इस्तेमाल हो सकता है वो हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल्स में तो अब देखते हैं कि एडवर्ब के और क्या क्या यूजेस होते हैं या वो और कौन से वर्ड्स के साथ इस्तेमाल होता है सो लेट्स कम टू द सेकेंड एग्जाम्पल विच इज़ माई नेबर इज़ एक्सट्रीमली क्लेवर यानी कि मेरा नेबर बहुत ज़्यादा चालाक है तो आप ये बात नोटिस करेंगे कि यहाँ जो वर्ड लिखा है नेबर वो एक नाउन है यानी इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है यहाँ पे नेबर के बारे में बात हो रही है और दूसरी बात कि यहाँ पे नेबर की एक क्वालिटी बताई जा रही है विच इज क्लेवर यानी कि एक एडजेक्टिव यूज हुआ है एक एट्रीब्यूट बताया गया नेबर का तो यहाँ पे क्लेवर है एक एडजेक्टिव तो अगर आप देखें तो ये सेंटेंस इतना भी कंप्लीट होता माय नेबर इज़ क्लेवर यानी मेरा नेबर चालाक है लेकिन जब यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ एक्सट्रीमली तो क्लेवर होने पे और ज़्यादा एम्फेसिस हुआ और ज़्यादा उसका मीनिंग मॉडिफाई किया गया यानी नेबर सिर्फ चालाक नहीं बहुत ज़्यादा चालाक है तो ये बात किस तरह बताई गई ये बात वर्ड एक्सट्रीमली का यूज़ करते हुए बताई गई यानी कि एडजेक्टिव के मीनिंग को मॉडिफाई किया गया वर्ड एक्सट्रीमली का यूज करते हुए तो एडजेक्टिव के मीनिंग को यहाँ कौन मॉडिफाई कर रहा है द वर्ड एक्सट्रीमली तो इसलिए यह है एक एडवर्ब और यहाँ पे एडवर्ब एक्सट्रीमली मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव क्लेवर को ये बता रहा है कि नेबर सिर्फ चालाक नहीं बहुत ज़्यादा चालाक है थर्ड एग्जाम्पल पे आते हैं यहाँ लिखा है शी विल अराइव वेरी सून यानी वो बहुत जल्दी आएगी तो अगर आप देखें कि अगर ये सेंटेंस सिर्फ इतना होता शी विल अराइव तब भी बात पता चल जाती कि वो आएगी लेकिन क्योंकि हमें बताना था कि वो जल्दी आएगी तो हमने यहाँ पे वर्ड ऐड किया सून कि वो जल्दी आएगी लेकिन अब हमें बताना है कि वो और जल्दी आएगी या वो बहुत जल्दी आएगी तो इसलिए यहाँ पे वर्ड ऐड हुआ वेरी तो यहाँ पे ये दोनों ही वर्ड एडवर्ब्स हैं दोनों सून भी और वेरी भी क्योंकि यहाँ जो वर्ड लिखा है अराइव वो है एक एक्शन यानी कि वर्ब और वो वर्ब किस तरह से हो रहा है वो बात बताई जा रही है वर्ड सून के थ्रू के वो कैसे आएगी जल्दी आएगी सून तो एक्शन के बारे में बताया जा रहा है कि एक्शन किस तरह होगा जल्द होगा सून होगा लेकिन क्योंकि हमें एक्शन को और मॉडिफाई करना है और ज्यादा इम्फोसिस करना है उसके बारे में और बताना है तो यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है वेरी यानी वो बहुत जल्द आएगी तो वेरी भी है एक एडवर्ब तो यहाँ पे आप थर्ड केस में देखिए कि एडवर्ब जो है वो एडवर्ब को ही मॉडिफाई कर रहा है एडवर्ब के ही मीनिंग में ऐड कर रहा है तो अभी तक हमने थ्री एग्जाम्पल्स देखे फर्स्ट वाले में वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है एडवर्ब वर्ब के मीनिंग में एडिशन हो रहा है वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है वर्ब था सैंग उसको मॉडिफाई किया एडवर्ब ब्यूटिफुली ने यानी खूबसूरती से गाना गाया गया सेकेंड एग्जाम्पल में एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है एडवर्ब एडजेक्टिव क्लेवर उसके बारे में और डिटेल में बताया एडवर्ब ने जो था एक्सट्रीमली थर्ड एग्जाम्पल में एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा है एडवर्ब को ही यहाँ पे एडवर्ब है सून उसको मॉडिफाई किया गया एडवर्ब वैरी के थ्रू तो ये तीन अलग अलग केसेस हो गए जहाँ पे एडवर्ब तीन अलग अलग वर्ड्स को मॉडिफाई कर रहा है या उनके मीनिंग में एडिशन कर रहा है पहला है वर्ब को मॉडिफाई करना दूसरा है एडजेक्टिव को मॉडिफाई करना और तीसरा है एडवर्ब को मॉडिफाई करना तो ये हो गए एडवर्ब के तीन यूजेस लेकिन अगर आप देखें तो एडवर्ब का जो सबसे कॉमन यूज है वो है वर्ब को मॉडिफाई करना आगे आप जितने भी क्वेश्चन एनकाउंटर करेंगे प्रैक्टिस करेंगे या फिर इस वीडियो में भी जो आप एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे उसमें मोस्टली एडवर्ब वर्ब के बारे में या एक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा कि काम किस तरह हो रहा है कब हो रहा है किस टाइम पे हो रहा है कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ हो रहा है तो ये हो गया एडवर्ब का इंट्रोडक्शन इसके और एग्जाम्पल्स देखते हैं और इसको बेटर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है वी वर वार्मली रिसीव्ड यानी हमारा अच्छे से स्वागत हुआ अच्छे से वेलकम हुआ तो यहाँ पे जो एक्शन है वो है रिसीव्ड यानी वेलकम हुआ या स्वागत हुआ तो ये हो गया वर्ब और यहाँ पे हमें वर्ड वार्मली बता रहा है कि किस तरह से स्वागत हुआ वार्मली या बहुत अच्छे तरीके से या गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ तो यहाँ पे वर्ड वार्मली किसे मॉडिफाई कर रहा है या किसके मीनिंग में ऐड कर रहा है वर्ब के मीनिंग में बता रहा है कि एक्शन रिसीव होना किस तरह हुआ वार्मली हुआ वी वर रिसीव वार्मली या वी वर वार्मली रिसीव्ड तो ये वर्ब के बारे में या एक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए शी हैज बीन बैडली ट्रीटेड यानी उसको बहुत बुरी तरह ट्रीट किया गया तो यहाँ जो वर्ड है ट्रीटेड या फिर व्यवहार वो भी एक वर्ब है एक्शन है ट्रीट करना और वो किस तरह से ट्रीट हुई बैडली बुरे तरीके से तो फिर यहाँ पे एक्शन के बारे में और डिटेल दी जा रही है उसको मॉडिफाई किया जा रहा है वर्ड बैडली के थ्रू और यहाँ पे बैडली है एक एडवर्ब नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए आई श्योरली एक्सपेक्ट हर यानी, मैं उसको कल जरूर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या वो कल जरूर आएगी ऐसी उम्मीद है तो यहाँ देखिए यहाँ जो वर्ड है श्योरली वो आपको एक्सपेक्ट करने के बारे में बता रहा है इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जरूर आना होगा जरूर श्योर है आप उस बारे में तो जो एक्शन है एक्सपेक्ट करना उसके बारे में यहां पे डिटेल दी गई मॉडिफाई किया गया वर्ड श्योरली के थ्रू इसलिए श्योरली भी एक एडवर्ब है नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए द ओपिनियन पोल रिजल्ट चेंज्ड इंटायरली यानी ओपिनियन पोल का रिजल्ट पूरी तरह बदल गया तो देखिए ये एग्जाम्पल यहाँ पे इतना भी कंप्लीट होता द ओपिनियन पोल रिजल्ट चेंज लेकिन क्योंकि हमें बताना था कि पूरी तरीके से चेंज आया है तो यहाँ पे वर्ड एंटायरली का यूज किया गया और यहाँ पे जो वर्ड है चेंज होना वो है एक वर्ब यानी बदल देना वो एक एक्शन हुआ यहाँ पे एक्शन को कौन मॉडिफाई कर रहा है जो है वर्ड एंटायरली वो यहाँ पे वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है इसलिए इंटायरली भी क्या है एक एडवर्ब है यानी काम करने के मैनर या तरीके को डिस्क्राइब किया जा रहा है इस वर्ड के थ्रू तो ये हुआ एक एडवर्ब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आई विल सर्टेनली मीट यू टमोरो यानी मैं तुमसे कल जरूर मिलूंगा तो यहाँ पे जो वर्ड है मीट वो अगेन एक वर्ब है एक एक्शन है मिलना और बताया जा रहा है कि जरूर मिलूंगा सर्टनली आप श्योर हैं इस बारे में सर्टन है कि ये काम होना है तो यहाँ पे वर्ब यानि कि एक्शन के बारे में और डिटेल दी जा रही है कि एक्शन किस तरह होगा सर्टन होगा जरूर होगा तो ये मैनर बताया जा रहा है एडवर्ब के थ्रू कि एक्शन सर्टन होगा यानी जरूर होगा नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए सारा इज अ वेरी गुड राइटर तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो वर्ड है गुड वो एक क्वालिटी है या एडजेक्टिव है अच्छा राइटर होना क्वालिटी है एडजेक्टिव है लेकिन क्योंकि हमें बताना है कि सिर्फ गुड या अच्छी राइटर नहीं है बहुत अच्छी राइटर है इसलिए इस बात पे एम्फोसिस करने के लिए वर्ड वेरी का यूज हुआ इसलिए वर्ड वेरी एक एडवर्ब है क्योंकि यहाँ पे वो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है उसके बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन दी जा रही है उसको और एम्फिस किया जा रहा है वर्ड वेरी के थ्रू तो इस केस में एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए रीमा डांसेस ग्रेसफुली यानी रीमा ने बहुत खूबसूरती के साथ डांस किया ग्रेसफुली डांस किया तो अब आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए विच वन शुड बी दी एडवर्ब इन दिस सेंटेंस आपको क्या लिखता है आपको क्या लगता है कि इस सेंटेंस में कौन सा होना चाहिए एडवर्ब यानी कि कौन सा वर्ड वर्ब को यहाँ पे मॉडिफाई कर रहा है यहाँ पे हमारा वर्ब है डांस करना तो डांस किस तरह हो रहा है ये आप लोग बताइए कि इसमें कौन सा है एडवर्ब जो उसको वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताएं तो इसका आंसर होगा ग्रेसफुली यानी कि खूबसूरती के साथ डांस करती है तो डांस करना एक वर्ब है उसको मॉडिफाई किया वर्ड ग्रेसफुली ने तो इसलिए ये भी हुआ एक एडवर्ब तो आप लोग अपना आंसर चेक करें किस किस ने लिखा था ग्रेसफुली फाइनल एग्जाम्पल है आमिर अराइव एक्सट्रीमली लेट यानी आमिर बहुत देर से आया तो आना हो गया एक एक्शन और वो किस तरीके का था लेट ये क्वालिटी हो गई लेट आना और उसको डिफाइन किया गया फर्दर किसके थ्रू वर्ड एक्सट्रीमली के थ्रू मॉडिफाई किया गया उसको तो इसलिए ये होगा एक एडवर्ब ये हो गए इसके कुछ एग्जाम्पल जहां पे एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई किया गया एडवर्ब के थ्रू लेकिन मोस्ट केसेस में एडवर्ब ने वर्ब को ही मॉडिफाई किया उसके ही मीनिंग में एड ऑन किया तो अब आते हैं इसके कुछ टाइप्स पे एडवर्ब के कौन कौन से मेन टाइप्स होते हैं लेट अस हैव अ लुक एट द टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स फर्स्ट वन इज एडवर्ब ऑफ मैनर एडवर्ब ऑफ प्लेस थर्ड इज एडवर्ब ऑफ टाइम फोर्थ इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी फिफ्थ इज एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड सिक्स इज एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड एडवर्ब ऑफ निगेशन तो अब इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं द फर्स्ट कैटेगरी इज एडवर्ब ऑफ मैनर तो क्या होते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर तो जब हम वर्ड मैनर पढ़ते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि किसी तरीके की बात हो रही है जी हाँ इसमें तरीके की ही बात हो रही है इसमें बताया जाएगा कि हमारा जो एक्शन है या वर्ब जो है हमारा जो एक्शन वर्ड्स हैं जो एक्शन है वो किस तरीके से हो रहा है तो यहाँ पे ऐसे वर्ड्स होंगे जो हमें तरीके के बारे में बताएंगे मैनर के बारे में बताएंगे कि वर्ब किस मैनर में हो रहा है वट इज़ द मैनर ऑफ़ वर्ब इन व्हाट इज़ द मैनर ऑफ़ वर्ब तो यहाँ पे ये यह इंफॉर्मेशन मिलेगी कि किस तरह से वर्ब हो रहा है या एक्शन हो रहा है इसकी डेफिनेशन को एक बार पढ़ते हैं एड वर्ब ऑफ मैनर टेल इज हाउ इन वट मैनर समथिंग वॉज कैरीड आउट दे मोस्टली मॉडिफाई वर्ब एंड कैन ऑफन बी फाउंड एट द एंड ऑफ अ क्लॉस एग्जाम्पल ब्यूटिफुली जेनरसली हैपीली नीटली पेशेंटली Softly. तो ये डेफिनेशन में बताया गया है कि ये इस तरह के वर्ड्स होंगे जो बताएंगे कि एक्शन किस तरह कैरी आउट हुआ कौन से तरीके से या कौन से मैनर से कैरी आउट हुआ ब्यूटीफुली हुआ ग्रेसफुली हुआ पेशेंटली हुआ सॉफ्टली हुआ बैडली हुआ बुरे तरीके से यानी कि किस तरीके से हुआ ये वर्ड्स बताएंगे कि एक्शन किस तरीके से हो रहा है इसलिए हम इनको कहेंगे एडवर्ब ऑफ मैन तो अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल इज ही ट्रिम्ड द वाइट रोजेज की ट्रिम बहुत नीटली की नीटली यानी सफाई से की तो यहाँ पे जो काम है ट्रिम करना या ट्रिम्ड वो एक वर्ब है यानी एक्शन है तो एक्शन किस तरह हो रहा है नीटली हो रहा है तो यहाँ जो वर्ड है नीटली वो हमें बता रहा है कि ट्रिमिंग का एक्शन किस तरह से हो रहा है इसलिए नीटली है एक एडवर्ब वो मैनरिज्म बता रहा है मैनर बता रहा है तरीका बता रहा है कि काम किस तरीके से हुआ नीटली हुआ सफाई के साथ हुआ सेकेंड एग्जाम्पल देखिए आई कॉम्ब माई डॉग्स फर केयरफुली यानी मैंने अपने डॉग का फर जो कोम किया वो बहुत आराम से बहुत केयरफुली किया ध्यान से किया तो देखिए इसमें जो वर्ड है कोम्ब करना वो एक वर्ब है एक्शन है एक और उस एक्शन को डिस्क्राइब किया जा रहा है वर्ड केयरफुली के थ्रू यानी के बहुत ध्यान से तो कोम्बिंग किस तरह हुई है केयरफुली हुई है ध्यान से हुई है मैनर बताया जा रहा है एक्शन का तो इसीलिए यहाँ केयरफुली है एक एडवर्ब मैनर बता रहा है वो कोम्बिंग का थर्ड एग्जाम्पल देखिए देर इज़ नो रीज़न वाई यू कैंट डिस्कस द टॉपिक विद मी कामली यानी कि तुम ये टॉपिक कामली भी डिस्कस कर सकते हो तो यहाँ पे देखिए डिस्कस करना है एक एक्शन ये हुआ हमारा वर्ब और डिस्कशन किस तरह होना चाहिए कामली यानी आराम से ध्यान से सुकून से होना चाहिए तो यहाँ पे कामली जो है वो हमारे एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है उसके मीनिंग में ऐड कर रहा है तो इसीलिए वो हुआ एक एडवर्ब वो यहाँ पे तरीका बताया जा रहा है कि डिस्कशन का मैनर कैसा होना चाहिए कामली होना चाहिए आराम से होना चाहिए तो ये हुए एडवर्ब ऑफ मैनर अब आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे एंड नेक्स्ट कैटेगरी इज एडवर्ब ऑफ प्लेस तो क्योंकि यहाँ लिखा है प्लेस तो यहाँ पे जगह के बारे में कुछ बताया जाएगा तो यहाँ पे किस जगह के बारे में बताया जाएगा यहाँ उस जगह के बारे में बताया जाएगा जहाँ पे वर्ब हो रहा है या एक्शन हो रहा है तो एक्शन के होने की जगह के बारे में जो वर्ड्स बताएंगे या जो वर्ड्स इंफॉर्मेशन देंगे उनको बोलेंगे एडवर्ब्स ऑफ प्लेस तो एक बार उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं एडवर्ब्स ऑफ प्लेस टेल इज मोर अबाउट वेयर द वर्ब टुक प्लेस हेयर आर सम कॉमन एडवर्ब ऑफ प्लेस अबव बिलो एवरीवेयर हेयर इन इनसाइड इनटू, नोवेयर, आउट आउटसाइड देर एटसेट्रा तो आप ये देखिए कि ये सभी वर्ड्स हमें किसी जगह के बारे में बता रहे हैं कोई पोजिशन बता रहे हैं तो ये सब वर्ड्स डिस्क्राइब करेंगे कि वर्ब कहाँ हो रहा है या एक्शन होने की जगह क्या है तो आइए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं जिसमें हम इसको बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे फर्स्ट सेंटेंस इन आयरलैंड देर आर थे एवरीवेयर यानी कि आयरलैंड में थैश रूफ कॉटेजेस होते हैं हर जगह तो थैश रूफ होना एक वर्ब है थैश रूफ प्रेजेंट होना कहीं पे एक वर्ब हुआ और ये बताया जा रहा है कि वो कहाँ होते हैं वो होते हैं हर जगह तो यहाँ पे जगह को डिस्क्राइब किया जा रहा है वर्ड एवरीवेयर के थ्रू उसकी पोजीशन बताई जा रही है थैश रूफ कॉटेज होने की पोजीशन बताई जा रही है तो इसलिए ये वर्ड एवरीवेयर हुआ एक एडवर्ब ऑफ प्लेस क्योंकि जगह डिस्क्राइब की जा रही है लेट मी टेल यू व्हाट थैश रूफ कॉटेजेस आर आपने कभी नोटिस किया हो कभी यूरोपियन कोई मूवी देखी हो या यूरोप के कोई क्लिप देखी हो स्पेशली आयरलैंड के एरियाज या स्कॉटलैंड के एरियाज तो वहाँ पे कुछ इस तरह के कॉटेज होते हैं जिनकी रूफ जो है वो स्ट्रॉ से या ड्राइड वेजिटेशन से बनाई जाती है इस तरह की शेप के होते हैं बेसिकली हट शेप के होते हैं तो उनको बोलते हैं थैश रूफ कॉटेजेस और ये जो रूफ है उनकी वो ड्राइड वेजिटेशन से बनाई जाती है सेकेंड एग्जांपल देखते हैं माई फ्रेंड इज स्टैंडिंग आउटसाइड द मेन बिल्डिंग यानी मेरा दोस्त मेन बिल्डिंग के बाहर खड़ा है तो आप देखिए स्टैंडिंग जो वर्ड है वो हो गया एक एक्शन या एक वर्ब हो गया यानी खड़े होना तो इस वर्ब को डिस्क्राइब किया जा रहा है कि कहाँ खड़ा हुआ है हमारा दोस्त या कहाँ खड़ा हुआ है मेरा दोस्त बाहर बिल्डिंग के बाहर आउटसाइड तो यहाँ पे जगह बताई जा रही है खड़े होने की जगह डिस्क्राइब की जा रही है तो ये जो वर्ड उसको डिस्क्राइब कर रहा है वो है वो है आउटसाइड और इसलिए ये वर्ड हुआ एडवर्ब एड़ तो यहाँ पे एडवर्ब आउटसाइड खड़े होने की जगह बताया जा रहा है और खड़ा होना जो है वो है वर्ब. तो यहाँ पे एडवर्ब ने वर्ब को मॉडिफाई किया कि Stand कर रहा है उसका दोस्त main building के बाहर आई वॉज सो बिगाइल्ड बाई द फायर वर्क आई ड्रोव इन टू द डिच सेंटेंस का मतलब हुआ कि मैं फायर वर्क से इतना चार्म हो गया था या उसमें इतना खो गया था कि मैंने गाड़ी डिच के अंदर घुसा दी तो अब देखिए यहां पे वर्ड जो है ड्रोव ये जो वर्ड है ये एक एक्शन वर्ड है यानी कि एक वर्ब है पास्ट टेंस है ड्राइव की तो ये वर्ब होने की जो जगह बताई गई वो है इन टू द डिच यानी डिच के अंदर तो ये जो वर्ड है इन टू ये पोजिशन बता रहा है जगह बता रहा है प्लेस बता रहा है इसलिए ये हुआ एक एडवर्ब यानी डिच के अंदर गाड़ी घुसाती गड्ढे के अंदर गाड़ी घुसाती तो आइए देखते हैं इस कैटेगरी के कुछ और एग्जाम्पल्स यहां लिखा है आई लुकड फॉर माई फ्रेंड ऑन द स्ट्रीट बट ही वॉज नो तो आप देखिए यहाँ पे जो वर्ब है वो है देखना लुक्ड तो मैंने अपने फ्रेंड को हर जगह देखा लुक्ड फॉर माई फ्रेंड यानी सड़क पे देखा उसको तो ये हो गया वर्ब अब वर्ब के होने की जगह बताई जाएगी कि उसने स्ट्रीट पे देखा लेकिन उसको कहीं नहीं मिला नो वेयर तो ये जो वर्ड है नो वेयर ये भी जगह डिस्क्राइब कर रहा है प्लेस को डिस्क्राइब कर रहा है तो इसलिए ये भी हुआ एक एडवर्ब अगर यहाँ लिखा होता है सम तो भी जगह डिस्क्राइब हो रही होती यानी कहीं पे देखा था लेकिन यहाँ पे बताया गया नो वेयर यानी कहीं नहीं दिखा लेकिन जगह बताने के लिए यूज हुआ ये वर्ड नो तो इसलिए ये भी है एक एडवर्ब ऑफ प्लेस नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए शी स्टेयर फायर फ्लाईज अबव उसने जुगनुओं को देखा ऊपर तो स्टेयर करना या देखना या घूरना हुआ एक एक्शन यानी वर्ब और वो वर्ब की पोजीशन क्या बताई गई अबव यानी ऊपर देखे उसने जुगनू आसमान में देखे होंगे यानी ऊपर देखा होगा तो इसलिए वर्ड अब का यूज हुआ तो ये भी है एक एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी जगह बताई गई फाइनल एग्जाम्पल देखिए आई हर्ड कॉलिंग फ्रॉम द स्ट्रीट्स बिलो यानी मैंने सुना किसी को आवाज देते हुए सड़क पे से तो सड़क जो थी वो नीचे थी वो बिल्डिंग ऊंची रही होगी जहाँ से वो ये बात कर रहा है तो उसने अपने पर्सपेक्टिव से बताया एक्शन कहाँ हो रहा है यानी आवाज कहाँ से आ रही है कॉलिंग कॉल call करना एक एक्शन हो गया तो वो कहाँ से आवाज सुनाई दे रही है नीचे से सड़क से स्ट्रीट्स बिलो यानी नीचे जो सड़के बनी हुई थी वहां से ये भी प्लेस बता रहा है वर्ड बिलो इसलिए ये भी हुआ एक एडवर्ब प्लेस ये है एडवर्ब ऑफ प्लेसेस के कुछ एग्जाम्पल अब आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे जो कि है एडवर्ब ऑफ टाइम तो क्योंकि यहाँ टाइम लिखा है तो आप पढ़ के समझ गए होंगे कि यहाँ पे टाइम डिस्क्राइब किया जाएगा लेकिन किस चीज़ का टाइम डिस्क्राइब किया जाएगा यहाँ टाइम बताया जाएगा कि वर्ब कब हो रहा है या एक्शन कब हो रहा है एक्शन होने का टाइम क्या है एक्शन रोज़ हो रहा है एक्शन साल में एक बार हो रहा है या मंथली हो रहा है या हाल फिलहाल हुआ है या बहुत कम होता है इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो हमें बताएंगे कि एक्शन कब हो रहा है तो इसकी एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं एडवर्ब्स ऑफ़ टाइम इंडिकेट व्हेन द वर्ब टुक प्लेस एडवर्ब ऑफ टाइम इंक्लूड एनुअली डेली मंथली रिसेंटली टुमारो, वीकली ईयरली येस्ट तो ये कुछ इस तरह के वर्ड हैं जो इशारा करेंगे इस बात की तरफ कि वर्ब कब हुआ टाइम स्पैन बताएंगे एक आइडिया देंगे कि वर्ब होने का टाइम क्या है तो इनके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं लेटली यू हैवरी वन अराउंड यानी कुछ दिनों से तुम सबसे रूडली बिहेव कर रहे हो जो भी तुम्हारे आसपास होते होता है तो इसमें बताया गया कि कब से रूडली बिहेव कर रहे हो कुछ दिन से यानी लेटली हाल फिलहाल से तो एक टाइम बताया गया रूड बिहेवियर का रूड बिहेवियर का टाइम बताया जा रहा है तो बताया जा रहा है कि वर्ब का टाइम क्या है तो इस तरह के वर्ड को हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहेंगे जो कि टाइम के बारे में आइडिया दे रहा है कि वर्ब किस टाइम हुआ नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए दे रिसेंटली रीलोकेटेड टू फे तो यहाँ देखिए इसमें लिखा है कि वो हाल ही में मूव हो गए या रीलोकेट कर गए कहाँ पे फे में तो अब देखिए यहाँ जो वर्ड है रिसेंटली वो हमें बता रहा है कि जो रीलोकेशन हुआ है या उनका मूवमेंट है वो हाल फिलहाल हुआ है तो रीलोकेट करना हुआ एक वर्ब या एक्शन और उस वर्ब का टाइमिंग बताया रिसेंटली ने यानी हाल फिलहाल तो ये काम हाल फिलहाल हुआ है तो वर्ब का टाइम बता रहा है रिसेंटली इसीलिए वो हुआ एक एडवर्ब ऑफ टाइम कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल द मॉर्निंग न्यूज पेपर अराइव डेली यानी के सुबह का अखबार रोज आता है तो अब देखिए यहाँ जो वर्ड है अराइव वो हुआ वर्ब यानी एक्शन यानी अखबार का आना और वो कैसे हो रहा है टाइम क्या है रोज डेली होता है वो काम तो इसीलिए ये हुआ एडवर्ब ऑफ टाइम जो कि अराइव यानी आने का टाइम बता रहा है नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल शी कॉल द डॉक्टर इमिडिएटली इसका मतलब है उसने डॉक्टर को फौरन बुलाया तो अब देखिए यहाँ पे जो वर्ड है कॉल्ड वो है एक वर्ब यानी कि बुलाना या एक्शन है एक तो यहाँ पे वर्ब के बारे में उसके टाइम के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी गई डॉक्टर को कैसे कॉल किया गया फॉरन टाइम क्या है कॉल करने का फॉरन इमीडिएटली तो टाइम का जो अंदाजा हमें हो रहा है वो कौन करा रहा है वर्ड इमीडिएटली तो इसलिए ये हुआ एक एडवर्ब ऑफ टाइम फॉरन कॉल की गई इमीडिएटली कॉल्ड जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है शी केम हियर अ फ्यू मिनट्स अगो वो अभी कुछ मिनट पहले आई तो ये जो वर्ड है केम क्या आना वो हो गया एक वर्ब और यहाँ जो टाइम का अंदाजा कराया जा रहा है वो कराया जा रहा है अ फ्यू मिनट्स अगो के थ्रू तो ये एक पूरा फ्रेज हो गया और ये एक एडवर्ब की तरह एक्ट कर रहा है तो ये हुआ एडवर्ब ऑफ टाइम हमें टाइम का बताया जा रहा है अ फ्यू मिनट्स अगो कुछ मिनट पहले तो ये होता है एडवर्ब ऑफ टाइम नेक्स्ट कैटेगरी है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी तो ये ऐसे वर्ड्स होंगे जो बताएंगे कि काम कितना फ्रीक्वेंटली हो रहा है फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब हुआ यानी काम बार बार हो रहा है काम कम हो रहा है काम कभी कभी हो रहा है काम यूजुअली या नॉर्मली होता रहता है तो जो फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं तो इस तरह के वर्ड्स जो फ्रीक्वेंसी डिस्क्राइब करेंगे किसकी वर्ब की या एक्शन की वो होंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी तो एडवर्ब ऑफ लेट लेटस नो हाउ ऑफन द वर्ब अकर्स यानी कितनी जल्दी काम होता है या कितना कम काम होता है फ्रीक्वेंसी बताएंगे दीज एडवर्ब टेन टू अपीयर राइट बिफोर द मेन वर्ब इन द द सेंटेंस। देंटेंस आर अगेन ऑलवेज नेवर नॉर्मली रेयरली सेल्डम समटाइम्स, यूजली तो ये ऐसे वर्ड होंगे जो ज़्यादातर मेन वर्ब से पहले आएंगे मोस्ट केसेस में ये वर्ड का इस्तेमाल वर्ब से पहले किया जाएगा जो हमारा मेन वर्ब या एक्शन वर्ड होगा उनसे पहले इस्तेमाल किया जाएगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का ये वर्ड हमें बताएंगे कि काम कितना जल्दी हो रहा है या कितना कम हो रहा है तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं आई ऑलवेज रीड अ बुक बिफोर बेड यानी मैं सोने से पहले बुक ज़रूर पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ तो अब इसमें देखिए बुक रीड करना है एक वर्ब या एक्शन अब ये वर्ब कितनी फ्रीक्वेंटली होता है रोज होता है या कभी कभी होता है तो ये अंदाज़ा हमें यहाँ लग रहा है इस वर्ड से ऑलवेज से यानी हमेशा रीड तो होने की फ्रीक्वेंसी क्या है हमेशा ऑलवेज रीड होने की फ्रीक्वेंसी है ऑलवेज यानी बेड पे जाने से पहले या सोने से पहले हमेशा किताब पढ़ना तो ये वर्ड ऑलवेज हुआ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी तो रीड करना जो हो रहा है वो हमेशा हो रहा है इस बात से फ्रीक्वेंसी का पता लगता है नेक्स्ट आते हैं आमिर सेल्डम गोज टू जिम यानी आमिर बहुत कम जिम जाता है तो यहाँ पे जिम जाना या गोज हुआ वर्ब वर्ब से पहले आया एडवर्ब जो हमें बता रहा है कि आमिर कम जिम जाता है या कभी कभार जाता है या रेयरली जाता है तो ये हुआ एक शी यूजी ती है ज्यादातर कहा तो वर्ब यानी कि शॉपिंग करने का प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और ये वर्ब जो है किस तरह होता है क्या फ्रीक्वेंसी है होने की कितना फ्रीक्वेंसी होता है यूजली यानी कि ज्यादातर ज्यादातर वो पास वाले मॉल से शॉपिंग करती है इसलिए ये हुआ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लेट्स कम टू द फाइनल एग्जाम्पल विच इज आलिया रेयरली नॉन वेज इन डिनर यानी आलिया नॉन वेज बहुत कम खाती है डिनर में तो यहाँ पे ईट्स है एक वर्ब यानी खाना और वो किस तरह खाती है नॉन वेज यानी उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है नॉन वेज खाने की रेयरली यानी बहुत कम बहुत कम तो ये है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जिससे हमें काम के होने की फ्रीक्वेंसी पता चली या काम कितना फ्रीक्वेंटली हो रहा है ये पता चला बार बार हो रहा है या बहुत कम या रेयरली हो रहा है या यूजुअली हो रहा है अक्सर होता है तो इस तरह के वर्ड्स जो हमें ये सारी इंफॉर्मेशन देंगे वो होंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट कैटेगरी है एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री लेट्स रीड द डेफिनेशन एडवर्ब ऑफ डिग्री टेल एस मोर अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ द वर्ब इन द सेंटेंस इन अदर वर्ड्स दे डिस्क्राइब हाउ मच और टू वट डिग्री द वर्ब इज़ टेकिंग प्लेस तो ये इस तरह के वर्ड्स हैं जो हमें बताएंगे कि वर्ब या एक्शन के होने की क्या इंटेंसिटी है यानी कि क्या डिग्री है यानी कि कोई वर्ब हमारा वो कितना पूरा हो चुका है या कितना ज्यादा हो चुका है या कितना कम हुआ है ऐसे वर्ड्स जो ये सब इंफॉर्मेशन देंगे वो कहलाएंगे एडवर्ब ऑफ डिग्री तो कौन से होते हैं वो वर्ड्स ऑलमोस्ट इनफ हार्डली जस्ट नियरली Quite simply, so too. अब इस तरह के एडवर्ब की तीन कैटेगरी हैं यहाँ लिखा है लो डिग्री यानी कि जब वर्ब या एक्शन या हमारा काम जो है जो सेंटेंस में डिस्क्राइब किया गया है वो कुछ हद तक पूरा हुआ है यानी सम वर्ट ये इसका एग्जाम्पल है सम वर्ट और भी वर्ड्स हो सकते हैं जैसे कि सम वर्ट यानी कि कुछ हद तक जैसे कि पेंटिंग आपने बनाई आर मेकिंग अ पेंटिंग एंड यू से दैट माई पेंटिंग इज सम वॉट कम्प्लीट यानी कि कुछ हद तक पूरी हुई है यानी कि काम थोड़ा अभी लो डिग्री का है उसकी इंटेंसिटी अभी लो डिग्री है यानी फुल्ली कंप्लीट नहीं हुई पेंटिंग आपकी कैसी हुई है सम वॉट कंप्लीट हुई है सम वॉट कंप्लीट हुई है पेंटिंग तो अगर सम वर्ड कंप्लीट हुई है तो वो लो डिग्री में आएगा यानी अभी काम पूरी तरीके से नहीं हुआ या वर्ब या एक्शन अभी पूरी तरीके से नहीं हुआ नेक्स्ट देखिए है मीडियम डिग्री यानी कि जो वर्ब या एक्शन है वो अभी मीडियम डिग्री तक हुआ है बस यानी कुछ कुछ पूरा हुआ है लेकिन लो डिग्री से ज्यादा जैसे कि फेयरली यानी काफी हद तक हो गया अब जब आते हैं हाई डिग्री तो वो ऐसे वर्ड्स हैं जो बताएंगे कि काम हो चुका है बिल्कुल हो चुका है जैसे कि एक्सट्रीमली तो आगे और एग्जाम्पल से हमको ये बेटर समझ में आएगा लेट्स कम टू द एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल अगर आप देखें तो यहाँ लिखा है एग्जामिनेशन तो यहाँ पे जो वर्ड है प्रिपेयर्ड यानी तैयारी वो एक वर्ब है तो जोया का प्रिपरेशन किस तरह की है वो फुल्ली प्रिपेयर्ड है पूरे तरीके से प्रिपेयर्ड है तो ये जो वर्ड है मैं इंटेंसिटी बता रहा है प्रिपरेशन की या वर्ब की इंटेंसिटी बता रहा है वर्ड फुल्ली पूरे तरीके से तो ये कौन सी डिग्री का हुआ ये हुआ हाई डिग्री का एडवर्ब हाई डिग्री बताई इसने कि जो प्रिपरेशन या वर्ब या एक्शन है उसकी क्या इंटेंसिटी है पूरे तरीके से फुल्ली प्रिपेयर्ड है वो नेक्स्ट देखिए अरुण वाज टू केयरलेस असाइनमेंट यानी अरुण बहुत ज्यादा केयरलेस था इस असाइनमेंट को बनाते वक्त तो असाइनमेंट बनाना मेकिंग असाइनमेंट ये हो गया एक वर्ब और उसकी किस तरह की डिग्री है केयरलेसनेस जो है स जो है वो कितनी है असाइनमेंट बनाने में केयरलेसनेस केयरलेसनेस की डिग्री है यहाँ पे टू केयरलेस यानी बहुत ज्यादा केयरलेस होना तो ये भी हो गई हाई डिग्री नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए ही इज ऑल टूगेदर मिस्टेकिंग एट द सिचुएशन यानी उसने सिचुएशन को पूरी तरह गलत समझ लिया तो मिस्टेक इन होना या गलत समझना या गलत फहमी हो जाना ये एक वर्ब हो गया एक्शन हो गया उस बात की क्या इंटेंसिटी है गलत फहमी की ऑल टुगेदर पूरे तरीके से बिल्कुल एकदम पूरे तरीके से ऑल टुगेदर उस सिचुएशन को गलत समझ लिया तो यहाँ पे भी इंटेंसिटी बताई गई गलत समझने की तो इसलिए ये है एक एडवर्ब ऑफ डिग्री नाउ लेट्स कम टू द फाइनल एग्जाम्पल फ्ररा इज़ राधा बिजी दिज डेज यानी फरा आज कल बिजी है तो यहाँ पे देखिये बिजी होना एक वर्ब है या एक्शन है तो यहाँ पे जो वर्ड है राधा वो बताया जा रहा है कि बिज़ी होना किस तरह या किस डिग्री का है राधा बिजी यानी काफ़ी बिजी है तो ये जो वर्ड है राधा वो बता रहा है कि काफी बिजी है तो बिजी होने की इंटेंसिटी बताई जा रही है तो इसलिए ये भी हुआ एक एडवर्ब ऑफ डिग्री एक्शन की इंटेंसिटी डिफाइन करी गई वर्ड रादर के थ्रू तो अब आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे जो के है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन या एडवर्ब ऑफ निगेशन तो ये कौन से वर्ड्स होते हैं ये वो वर्ड होते हैं जो बताते हैं कि हमारा एक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा यानी उस बात को अफर्म करते हैं या कन्फर्म भी कह सकते हैं कन्फर्मेशन देते हैं कि एक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है निगेशन यानी नहीं अगर नहीं हो रहा है तो वो निगेटिव में जाएगा निगेट करेगा उस बात को मना होगा वहां पे तो इस तरह के वर्ड जो नेगेटिव या नेगेशन को डिस्क्राइब करेंगे वो एडवर्ब ऑफ नेगेशन हो जाएंगे तो ये नेगेटिव में आएगा जो वर्ड्स कंफर्म करेंगे या अफर्म करेंगे वो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन हो जाएंगे जो एक्शन को अफर्म या कंफर्म करेंगे तो इसकी डेफिनेशन है दीज आर वर्ड्स दैट शोज द एक्शन एक्सप्रेस इन अफर्मेशन और इन द नेगेटिव सेंस एज द केस में भी यानी ये वो वर्ड हैं जो एक्शन को एक्सप्रेस करेंगे या वर्ब को एक्सप्रेस करेंगे कि वर्ब हो रहा है या नहीं हो रहा है इन दो में से कोई एक केस होगा तो कौन से हैं वो वर्ड्स जो बताएंगे हमें येस लिटल इन डीड श्योरली ट्रूली नॉट एट ऑल Perhaps, never, etc. तो ये वो वर्ड्स हैं जो बताएंगे कि एक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है इसका एग्जाम्पल देखते हैं आई डू नॉट नो यू यानी मैं तुम्हें नहीं जानता तो जानना यानी कि नो हुआ एक वर्ब तो यहां लिखा है डू नॉट ये जो वर्ड है वो बता रहा है कि नहीं जानता तो ये निगेट कर रहा है या निगेटिव में बता रहा है जानने को या एक्शन को डिनाइल है यहाँ पे जानने का आई डो नॉट नो यू तो नॉट जो वर्ड है जो इस बात को निगेट कर रहा है या बता रहा है कि मैं तुम्हें नहीं जानता तो इसलिए ये हुआ एक एडवर्ब ऑफ निगेशन सेकेंड एग्जाम्पल देखिए आई विल सर्टनली कम टू योर हाउस ऑन मंडे यानी मैं तुम्हारे घर मंडे में जरूर आऊंगा तो यहां जो वर्ड है कम वो है एक वर्ब या एक्शन तो इस वर्ड को जो फर्दर डिस्क्राइब कर रहा है वो वर्ड है सर्टेनली यानी ये बता रहा है कि मैं तुम्हारे घर मंडे में जरूर आऊंगा तो सर्टेनली यानी कि जरूर आना तो इस बात का कंफर्मेशन दिया जा रहा है यहाँ पे किस बात का आने का कंफर्मेशन मंडे में आने का कंफर्मेशन दिया जा रहा है सर्टेन बताया जा रहा है उस बात को श्योरिटी दी जा रही है तो इसलिए ये हुआ एक एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन यानी कंफर्म किया जा रहा है अफर्म किया जा रहा है मंडे में घर आने को नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए यस आई लाइक स्वीट्स हाँ मुझे स्वीट्स पसंद हैं तो लाइक like करना हुआ एक वर्ब एक एक्शन है पसंद करना वर्ब है वो और यहाँ पे उसका जवाब हाँ में दिया जा रहा है कि हाँ मुझे पसंद है इस बात को कंफर्म किया जा रहा है किसके थ्रू वर्ड यस के थ्रू कंफर्म किया जा रहा है कि हाँ मुझे मीठा पसंद है तो इसलिए ये भी हुआ एक एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए पर हैप्स वी हैव मेट बिफोर शायद हाँ हम पहले मिले हैं तो यहाँ पे वर्ड जो है पर हैप्स वो शायद बता रहा है कि हाँ शायद मिले हैं मिलना है एक वर्ब या एक्शन और उस बारे में थोड़ा डाउटफुल है लेकिन हाँ लग रहा है कि मिले हैं पर हैप्स तो इस बात को निगेट नहीं किया जा रहा मना नहीं किया जा रहा इस बात को डिनाइल नहीं है इस बात का तो इसलिए यह भी हुआ है एक एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन यहाँ पे पर है फाइनल एग्जाम्पल देखिए एमन वुड नेवर वर्क ऑन दैट प्रोजेक्ट एमन उस प्रोजेक्ट पर कभी काम नहीं करेगी तो काम करना या वर्क एक एक्शन है एक्शन और इस एक्शन के बारे में बताया जा रहा है कि वो एक्शन कभी नहीं होगा या प्रोजेक्ट पे काम कभी नहीं होगा नेवर इस बात का डिनायल है मना किया जा रहा है किस वर्ड के थ्रू वर्ड नेवर के थ्रू इसलिए नेवर क्या है एक एडवर्ब ऑफ निगेशन मना किया गया या डिनाइल हुआ यानी कि एमन उस प्रोजेक्ट पे काम कभी नहीं करेगी नेवर तो ये हो गए एडवर्ब ऑफ और नेगेशन के एग्जाम्पल दिस वॉज आर फाइनल कैटेगरी फॉर एडवर्ब नाउ लेट कम टू आर फाइनल सेगमेंट फॉर दिस लेक्चर विच इज वन वर्ड फॉर अ सेंटेंस तो इस सेगमेंट में हम ऐसे सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे जो कि किसी वर्ड से रिप्लेस किए जा सकते हैं या उनके लिए किसी एक वर्ड का भी यूज़ किया जा सकता है इस तरह के वर्ड्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं स्पेशली जो ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम्स हैं जैसे कि जे एम आई का एंट्रेंस है या एम यू का एंट्रेंस है बी कॉम का या बी एस सी का या बी ए का उसमें इस तरह के वर्ड जरूर पूछे जाते हैं आपको सेंटेंस दिया जाएगा और उस सेंटेंस को आपको एक वर्ड से रिप्लेस करना होगा जो कि आपके चार ऑप्शन में से एक वर्ड होगा तो आप इन वर्ड्स पे काफ़ी फोकस करें ऐसे सेंटेंसेस देखें जिनको वर्ड से रिप्लेस किया जा सकता है और उनको अच्छे से याद करें तो हमारा जो पहला सेंटेंस है वो है अ पर्सन हु नोज एंड यूज सेवरल लैंग्वेजेस। ऐसा इंसान जो बहुत सारी लैंग्वेजेस जानता हो और उनका इस्तेमाल करता हो उस इंसान को क्या बोलते हैं उसको कहते हैं पॉलीग्लॉट पॉलीग्लॉट नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है एक्शन और ऑफेंस ऑफ स्पीकिंग सेक्रिलीजियसली अबाउट गॉड और रिलीजन तो ये ऐसा एक्शन जहां पे गॉड के बारे में या फिर रिलीजन के बारे में कुछ गलत बातें करे कोई तो इस तरह के एक्शन को बोलते हैं ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी। थर्ड है अ वाइगरस कैंपेन फॉर पॉलिटिकल सोशल और रिलीजियस चेंज यानी एक स्ट्रांग कैंपेन किसके लिए पॉलिटिकल पर्पस सोशल पर्पस या रिलीजियस पर्पस या उसके चेंज के लिए जो कैंपेन शुरू करी जाए उस कैंपेन को बोलते हैं क्रुसेड और उस कैंपेन को जो लीड करता है या उसको इनिशिएट करता है उस इंसान को बोलते हैं डर नेक्स्ट देखिए अ सेंटिमेंटल लॉन्गिंग और अफेक्शन फॉर अ पीरियड इन द पास्ट यानी पुराने जमाने की अच्छी यादों को जब आप याद करते हैं या चाहते हैं कि वो सब टाइम वापस आ जाए तो इस तरह की जो फीलिंग होती है उसको बोलते हैं नॉस्टैल्जिया नॉस्टैल्जिया फाइनल सेंटेंस है अ पोजिशन रिक्वायर लिटल और नो वर्क बट गिविंग द होल जो फाइनेंशियल बेनिफिट तो ऐसी पोजिशन जिसमें आपको ज्यादा काम ना करना पड़े या ज़्यादा एफर्ट ना लगाना पड़े लेकिन आपको रिटर्न में फाइनेंशियल बेनिफिट मिल रहा हो तो उस तरह की जो सिचुएशन होगी या वो जो पोजिशन होगी उसको बोलेंगे साइनिक्योर ये थे आज के हमारे सेंटेंसेस और उनकी जगह यूज होने वाले वर्ड्स आप इस तरह के वर्ड्स को और सर्च करें इस तरह के वर्ड्स की और प्रैक्टिस करें मैं फ्यूचर लेक्चर्स में भी इस तरह के वर्ड्स को इंक्लूड करने की कोशिश करूंगी और लेट मी टेल यूंगे जो पहला एग्जाम्पल था ये एम यू बी कॉम एंट्रेंस के टू थाउजेंड पूछा जा चुका है तो आई एल ट्राई माई बेस्ट टू इंक्लूड सच वर्ड्स That have been asked before in the entrance examination, and you also try your best to find such words, such sentences, and try to learn them, work on them daily. So, our lecture for today ends here. I hope you understood it, and again, I'd like to request that please make sure to practice daily. Please, you still have a lot of time on your hands, so please keep practicing and keep learning. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू